से 29 किस्म के जो हैं ये जो सर्टिफिकेट या आपको एनओसीज लेने हैं, इसमें 29 किस्म जो जिसको कैटेगराइज किया है उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी। तो मैं उधमपुर प्रशासन को और जम्मू कश्मीर प्रशासन को कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपने एक स्टेप लिया है कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए आपने ऑनलाइन सिस्टम चालू किया है, मगर ये बताइए कि आपने जब उधमपुर में देविका प्रोजेक्ट को बेहतर परफॉर्म करने की बारी आती है तो उसके ऊपर आपका कोई जवाब नहीं आता है। उधमपुर टाउन या गांव में बिजली या पानी की समस्या का समाधान ढूंढने की बात आती है उसमें उधमपुर नहीं देखता है। उधमपुर में मेडिकल कॉलेज की जो है क्लासेस स्टार्ट करने की या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात आती है उसमें प्रायोरिटी नहीं दिखती है, लेकिन जब आप इसको डिजिटल या ऑनलाइन करते हो तो आप कहते हो उधमपुर से शुरुआत करेंगे। बहुत से ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे पहाड़ी एरिया नहीं है, प्लेन एरिया है, वहाँ से शुरुआत की जा सकती थी, लेकिन उधमपुर से आप शुरुआत करने जा रहे हो। आप मुझे बताइए, उधमपुर के बिल्कुल बगल में ही जसरकोट हमारी एक पंचायत है जहाँ अभी पिछले हफ्ते मैं गया था, यहाँ अभी तक मोबाइल टावर नहीं है, अभी भी लोग टेलीफोन करने के लिए अपने घर से 5-5 किलोमीटर पर पहाड़ पे जाके सिग्नल ढूंढते हैं। लाली पंचायत है मुंगरी तहसील के अंदर, लाली पंचायत है, यहाँ अभी भी लोग पहाड़ी पॉइंट रखे हैं पहाड़ पे के 2-2, 4-4 किलोमीटर पहाड़ पे जाके टेलीफोन सुनते और करते हैं। आपका धारगदियाँ ये एरिया है पखलाई पंचायत में, यहाँ आपको टेलीफोन की आपके टावर्स नहीं है। आपका धार लद्दई की बात करें, आपकी लड्डा की बात करें, जंगल गली अभी रिसेंटली टावर लगा है, वो भी 3 साल के स्ट्रगल के बाद हम लोगों ने स्ट्रगल किया। तो इवन अब उधमपुर के सराउंडिंग्स की बात करें, यहाँ पे आपके मोबाइल नेटवर्क नहीं है, फिर आपका सर्वर जो है आपने जो ऑनलाइन सर्विस की है जैसे आपका राशन कार्ड है या दूसरा आपने ऑनलाइन किया है, तो हमेशा अगर आप, मैं मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ, जब भी आप जाते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, आप दो दिन बाद पता कीजिए, हफ्ते बाद पता कीजिए। अब किसी को मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए किसी फॉर्म भरने के लिए, उसको तत्काल चाहिए, आपका सर्वर 4 दिन नहीं चलेगा, आपका ऑनलाइन सिस्टम चलेगा नहीं, तो उसका तो करेक्टर वैसे ही ख़राब हो गया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा एकदम किसी ये चीज़ें इम्पोज करना लोगों के ऊपर, थोपनी लोगों के ऊपर, ये जायज़ नहीं है। इसमें लोगों को टाइम दीजिए, ऑप्शन रखिए कि जो ऑनलाइन करना चाहता है वो ऑनलाइन करे, जो ऑफलाइन अप्लाई करना चाहता है वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। अभी ऑनलाइन आपका आपके नीचे आपका तहसील डीसी ऑफिस का, तहसील ऑफिस का, आपका नायब तहसीलदार ऑफिस का, आपका पटवारी के ऑफिस का, कहाँ है आपके पास कंप्यूटर्स, कहाँ है आपके पास